तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच आखिरी रूनी मैच फ्लोरिडा में खेला जाने वाला है। वेस्टइंडीज दौरे का आखिरी मैच भी रहेगा। बातचीत करेंगे किस प्रकार फैंटेसी 11 मैच प्रेडिक्शन और टॉस प्रेडिक्शन रहने वाला है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन घंटी जरूर प्रेस करिए कि जब भी हम लाइव आए, जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब बात करते हैं आखिरी मैच है यार, क्या कुछ भारतीय टीम क्या उतारना चाहेगी, साथ ही साथ फैंटेसी 11 आपके लिए क्या कुछ हो सकती है, उस पर बातचीत कर लेते हैं यार। तो सबसे पहले कीपर्स के स्लॉट से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे निकलेस पूरन के साथ ऋषभ पंत एकदम पक्का है, इनको हर मैच में हमने जगह दी और ठीक ठाक दोनों ने किया भी है। अब ये भी आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं कीपर का स्लॉट इतना बड़ा जो है पैरामीटर रहता है फैंटेसी 11 में, लेकिन यहाँ पे दोनों एकदम फिट बैठते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी की बात होगी तो यहाँ पे रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और फिर उनके साथ आपको शिमरन हेटमायर, ये हमने ज़रूर इनको भी जगह दे दी है। और उसके साथ साथ ऑलराउंडर्स की जब बात करेंगे तो यहाँ पे दीपक हुडा, जेसन होल्डर और कुंगफू पांड्या, हार्दिक पांड्या, इन तीनों को जगह दी है यार। तीनों अच्छी फॉर्म में भी हैं और उम्मीद करेंगे कि एक बार फिर से आप सभी के लिए फायदे का सौदा साबित हों। गेंदबाजी की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास अर्शदीप सिंह मौजूद हैं, रविचंद्रन अश्विन हैं और उनके साथ साथ ओबिड मैकॉय, तीनों ने कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन लगातार पूरी सीरीज में दिए हैं और वेरिएशंस भी है ना। आप देखिए एक तरफ लेफ्ट आर्मर अंदर आती हुई गेंद और स्लोअर वन से काफ़ी परेशान मैकॉय ने किया, अश्विन ने मिडिल ओवर्स में अच्छा खेल दिखाया। ओवरऑल एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइनअप नज़र आ रही है फैंटेसी 11 के लिहाज से। और इसके साथ साथ कप्तानी की बात की जाए तो कप्तानी मिलेगी यहाँ पर हार्दिक पांड्या को और वहीं वाइस कैप्टनसी सूर्य कुमार यादव को। सीधी सी बात है, जब आपके पास एक ऐसा धाकड़ ऑलराउंडर मौजूद है जो कि बल्ले और गेंद दोनों से धज्जियां उड़ा सकता है तो क्यों ना कप्तान बनाया जाए, इसलिए हमने कप्तानी दे दी है। सूर्य कुमार यादव भी जबरदस्त टच में है तो उनको भी वाइस कैप्टनसी हमने जरूर दी है। अब बात कर लेते हैं टॉस और उसके साथ साथ मैच प्रेडिक्शन की। तो भारत टॉस जीतेगा, साथ ही साथ मैच भी जीतेगा, क्योंकि इतिहास जो है फ्लोरिडा का ये बताता है कि पहले बल्लेबाजी करना बड़ा अच्छा साबित होता है टीम्स के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भारतीय टीम टॉस जीते और फिर मैच भी ज़रूर अपने नाम करे और एक अच्छे नोट पे वेस्टइंडीज का पूरा दौरा खत्म हो और फिर हम जिम्बाब्वे जाएं, वहाँ भी क्लीन स्वीप करें, फिर तो एशिया कप खेलना ही है पाकिस्तान के साथ। उम्मीद करिए 3 मुकाबले ज़रूर हों। वैसे पूरा वीडियो हमने आपको बता दिया है किस प्रकार से कॉन्टेंट के लिहाज से क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बड़े मुकाबले के लिए। पसंद आ रहा है लाइक कर दो, शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।